असलकम एंड वेलकम टू माई चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास रूम मैनेजमेंट के बारे में सो so, अगर आप इससे पहले मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सो वॉट इज़ क्लास रूम मैनेजमेंट सो लेट्स विद द डेफिनेशन क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स टेक्नीक यूज बाई टीचर्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। बेसिकली क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि टीचर्स यूज़ करते हैं किस लिए अपनी क्लास कोई इन्वायरमेंट को, को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाने के लिए It involves establishing clear rules and expectations for behavior in the classroom. बेसिकली वी कैन क्रिएट अ बेसिक रूल्स हम लोग क्या करते हैं एक रू, आ, रूल सेट करते हैं अपने क्लास के जो इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए ताकि सब सब स्टूडेंट्स उस रूल्स को फॉलो कर सकें इट फोकस ऑन बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिसप्लिन अब क्लास मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ये है कि फर्स्टली हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक आ, हमें रूल सेट करने चाहिए दूसरा एक ऐसा आ, हमें एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए अपने स्टूडेंट के साथ बिंग अ टीचर लाइक इफ आई एम अ टीचर तो मुझे क्या करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए अब अगर हम सबको इंडिविजुअली टाइम देंगे उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगे उनके साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे तो ही मेरी क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो सकता है मेरी क्लास डिसप्लेंड हो सकती है ओवरऑल इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट मैक्सिमाइज इंस्ट्रक्शनल टाइम सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड क्रिएट्स आ सेफ एंड इनकल लर्निंग एन्वायरमेंट सो क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होती है ये कि हमें अपनी क्लास को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए रूल सेट करने चाहिए एक क्लास को वेल well डिसिप्लिन बनाने के लिए अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है अपने क्लासरूम के इन्वामेंट को अच्छा मतलब कि पीसफुल बनाने के लिए ठीक है आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अगर आपका इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग